आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इसके पूर्व पहली बार माफी मांगते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि मेरे द्वारा सदन में की गई टिप्पणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करती हूं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं गांधी जी के योगदान का सम्मान करती हूं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद सदन में गांधी जी की जय के नारे गूंजने लगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने साध्वी प्रज्ञा द्वारा माफी मांगने के तरीके से नाखुशी जताई। गुरुवार को उन्हें संसद की रक्षा समिति से हटाने के साथ ही संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा भी साध्वी प्रज्ञा को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए बयान पर हमलावर होती नजर आई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल ने गांधी जी की हत्या से भी बदतर बयान दिया है। एक सांसद को आतंकवादी कहा गया। राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाया जाए। शुक्रवार को भी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साध्वी प्रज्ञा को तलब किया। नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर को उनके विवादित बयान पर फटकार भी लगाई। बताया जा रहा है कि इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने पार्टी महासचिव भूपेंद्र सिंह यादव से भी मुलाकात की। मतलब आप अपने बयान पे कायम हैं? और क्या है? और क्या जो मैं ट्विटर पे लिखा उस पे कायम है। व्हाट साध्वी प्रज्ञा सेज राइट इज व्हाट शी बिलीव्स इन। आई डोंट एग्री विद हर बट शी बिलीव्स इन इट। प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में दिए अपने बयान पर उपजे विवाद पर सफाई दी है। वहीं हर जगह उनका विरोध तेज होता जा रहा है। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी इस मसले पर कुछ ज्यादा ही तैश में नजर आए। इस बड़बोले विधायक ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को जिंदा जलाने की धमकी दे दी। इस विधायक का कहना है कि कभी सांसद साध्वी प्रज्ञा सामने आई तो उनका पुतला नहीं, उन्हें साक्षात जलाया जाएगा। आप भी सुन लें इस विधायक की धमकी। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। इस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अपने विवादित बयानों और अजीब कार्यों से सुर्खियां बटोरने वाले मिर्ची बाबा ने सांसद साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा का नाथुराम गोडसे से क्या रिश्ता है जो हर बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बता देती है। वे पूरे देश से माफी मांगे। अगर उन्हें संसद में कोई बात करनी है तो भोपाल के विकास की बात करें, ना कि आतंकवादियों की बात करें। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बार बार कहते हैं कि उनका मन दुखी हुआ है, फिर भी प्रज्ञा पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। साध्वी प्रज्ञा ने जो सभी का अपमान किया है तो स्वाभाविक करके साध्वी प्रज्ञा बताएं क्या वो उनका रिश्तेदार लगता है या नातेदार लगता है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता हूं, तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि बार बार आपके कहने पर भी ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं तो क्या आपका पार्टी से अंकुश खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल से जिताने के लिए मिर्ची यज्ञ किया था। साथ ही कहा था कि अगर दिग्विजय नहीं जीते तो वो समाधि ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिग्विजय चुनाव हार गए और मिर्ची बाबा गायब हो गए। अब मिर्ची बाबा ने समाधि लेने के विचार पर पलटी मार दी है और इसके लिए उन्होंने लोगों से माफी भी मांग ली है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने राजनीति से रिटायरमेंट पर बयान दिया है और उन्होंने दावा किया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि एक कर्मचारी की रिटायरमेंट की सीमा होती है और उन्होंने 35 साल तक लंबी राजनीति की है, इसीलिए वे अब अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी सीट पर अब कोई युवा जो सक्रिय हो वह चुनाव मैदान में उतरेगा। मैंने चुनाव 35 साल हो गए, कर्मचारी भी रिटायर हो जाता है, मास्टर भी 25-30 साल में हो जाते हैं। अब 35 साल लंबी होती है, नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए।
लेकिन मैंने कहा चुनाव भर नहीं लड़ने का कहा है, लेकिन मैं राजनीति में रहूंगा, सक्रिय रहूंगा। विधानसभा नहीं लड़ेंगे? विधानसभा नहीं लड़ेंगे, लोकसभा की गुंजाइश नहीं रखा। गृह मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी पर हमला बोला और साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर सवाल खड़े किए। बच्चन ने कहा कि ये बीजेपी का चरित्र बताता है, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि गांधी जी को मानते हैं या गोड़से को। उन्होंने कहा हो सकता है बीजेपी साध्वी को गोड़से की विचारधारा पर चलने के लिए उकसा रही हो। अभी गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे देश में हम लोग भी और शायद ये लोग भी मना रहे हैं, तो ये तो फिर इनका जो ओरिजिनल चरित्र और चेहरा इस हिसाब से सामने आ रहा है, ये फॉलोअर किसके हैं, गांधी जी के हैं या गोड़से के हैं, इस चीज को तो स्पष्ट करना पड़ेगा उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी के हाईकमान को। और ये छोटी मोटी जो सजा देकर अगर जुडिशरी करना चाहेंगे, इससे तो स्पष्ट होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको इस तरह से उकसाया भी जा रहा है कि मतलब इस गोड़से की विचारधारा पे चलना और गोड़से को अपना फॉलोअर बताना, मतलब इस तरह की भी बात हो सकती है। जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात का पर्याप्त जवाब उनकी पार्टी के द्वारा दिया गया है इस वक्तव्य पे, वो तब तक माना नहीं जाएगा। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि प्रदेश के हर संभाग में आईजी और डीआईजी के साथ पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पुलिस में फिटनेस और अनुशासन हमारी पहली प्राथमिकता है। योजना समिति की बैठक लेने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे प्रभारी मंत्री की बैठक के बाद कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा शुरू हो गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री के सामने नारेबाजी करने लगे और कुछ ही देर में दोनों पार्टियों के लोगों द्वारा धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। इस दौरान मंत्री लखन घंघोरिया की सुरक्षा में बड़ी चूक दिखी, मंत्री खुद को अफरा तफरी के माहौल में संभालते दिखे। जिला योजना समिति की बैठक के बाद जाते वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी त्रिपाठी और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि विवेक दुबे उनसे चर्चा कर रहे थे, तभी यह हंगामा हुआ। पिछले एक साल से उनसे लगातार संबंध है, मैं जानता हूं वो छात्र राजनीति से आए हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों से निपटना, उनसे मिलना, उनको सुनना, वो बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिंदाबाद किनारे लगा दिए गए, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद किनारे लगा दिए, जिससे थोड़ी देर के माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। फिर प्रभारी मंत्री जी ने और हमने मिलकर उस माहौल को शांत किया है। प्रभारी मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से सुना है, टैकल किया है और कहा है कि नगर निगम आयुक्त के ऊपर लगाम लगाई जाए। दरअसल कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व नेताओं द्वारा नगर निगम परिसर में बने परिषद भवन का लोकार्पण बिना किसी मंजूरी के जबरन ताला तोड़कर कर दिया गया, जिस पर नगर निगम आयुक्त सबाजीत यादव कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस मामले की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभारी मंत्री से कर रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो भाजपा के लोगों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा के विधायकों का अपना पक्ष था, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग साथ में थे और एक पक्ष ये बात आ गई कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ता को दूसरे रूप में ले जाओ, थोड़ी देर का एक नारेबाजी का एपिसोड था, खत्म। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ग्वालियर पहुंची तो कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने उन्हें ई रिक्शा में बैठाकर खुद रिक्शा चलाया और उन्हें जयरोग्य अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचाया। मंत्री महोदया ने ई रिक्शा में पहुंचकर ग्वालियर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कमला राजा अस्पताल सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने जयरोग्य अस्पताल समूह के परिसर की दूरी को देखते हुए मरीजों के लिए विधायक जी का रिक्शा नाम से 5 ई रिक्शे शुरू करने की पहल की है, जिसके तहत आज 2 रिक्शों का लोकार्पण खुद विधायक ने रिक्शा चलाकर किया। उनका कहना है कि परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए 5 रिक्शे अपनी विधायक निधि से दे रहे हैं, ताकि मरीजों को आने जाने में सुविधा हो सके और अटेंडर भी परेशान न हो। मंत्री के साथ दोनों विधायक प्रवीण पाठक और मुन्ना लाल गोयल भी मौजूद थे। अस्पताल परिसर काफी बड़ा है, एक परिसर से दूसरे परिसर में मरीज को जब टेस्ट कराने जाना होता है बड़ी तकलीफ होती है। विधायक जी का ई रिक्शा के नाम से हम लोगों ने पेशेंट के लिए निःशुल्क ई रिक्शा चलाया है और मुझे लगता है इससे काफी ज्यादा फायदा पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स। हरदा में मध्याह्न भोजन में कार्यरत महिला स्व सहायता समूह ने भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली।
और कलेक्टर परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ियों में साझा चूल्हा के तहत भोजन समूह की राशि में से 500 रुपए प्रति माह महिला रसोइयों से काटा जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पूर्व में भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह राशि प्रतिमाह दी जाती थी, परंतु विगत 2 माह से समूह के खाते में ये राशि काटी जा रही है। सरकार से जो मांगे हैं इतने, मतलब 1000 से 2000 करे, फिर भी हमारे मतलब जो वो मेहनता ना है वो पूरा हमको नहीं मिल पाया ना, इसलिए हम सरकार से लड़ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी होना चाहिए सरकार के द्वारा, और जो मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कार्य करती है उसके बराबर का हमको हक मिलना चाहिए। महिलाओं का कहना है कि हरदा जिले की कुछ आंगनबाड़ियों में मध्याह्न भोजन का कार्य प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, जिसे बंद कराया जाना चाहिए ताकि स्व सहायता समूह का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मध्याह्न भोजन में लगी महिला रसोइयों को नियमित कर्मचारी बनाया जाए, और जब तक महिला रसोइयों की नियमित कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक महिला रसोइयों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान मान दे दिया जाए। सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि के बदले हजारों की रिश्वत मांगी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि गरीब लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाए, लेकिन रोजगार सहायक शासन की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों से धन ऐंठने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला कथुरा पंचायत में देखने को मिला, जहां कथुरा की आदिवासी महिला सरपंच जागमती रोजगार सहायक से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सीओ से मदद की गुहार लगाई। सरपंच का कहना है कि रोजगार सहायक संजय पांडे प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय की किस्त जारी करने के एवज में हजारों की रिश्वत ले रहे हैं, जिसकी शिकायत जनपद बैठन में भी की गई, लेकिन अभी तक रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। थक हार कर एक बार फिर सरपंच 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना दर्द जिला पंचायत सीओ ऋतुराज को बताया। मैं कथुरा पंचायत सरपंच हूँ, और रोजगार सहायक बोलता है संजय पांडे कि मैं सरपंच को नहीं चिंता हूँ, कौन हूँ सरपंच, जो है तो मैं ही हूँ, सबसे लूँगा वो उगा के। सीओ साहब बोले कि ठीक है देखेंगे, लेकिन अब तक आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, न सुने मेरे ख्याल रहे हैं तो संजय पंडित पैसा 20,000 निकल ली तो 5,000 लिख बन के ले लिए, हमारा पैसा लूट लिया। हमारे लिए पूर्ण 3,000 पैसा पूर्ण मांग रहा कि पूर्ण 3,000 घर पहुँचा रहा, तो हम नहीं पहुँचा रहे, कहाँ पाई कि कहें हम पहुँचाई का दही का ले भाई नहीं आता है, तीसरा नहीं आया, कहें हम ढाली घर कहें हम का करें भाई, राड़ रेवा वाली हम कि हम कमियाँ धनिया हमें दे दिया तो का करिए। अब ये पहले ये सरपंच से लेकर आल वाली हम शिकायत कहाँ नहीं। दरअसल बैढ़न विकास खंड की ग्राम पंचायत कथुरा की महिला सरपंच ने रोजगार सहायक की शिकायत की है और बताया कि गरीब आदिवासियों से आवास की किस्त जारी करने के लिए रिश्वत ली जा रही है। आवास के लालच में ग्रामीणों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शिकायत जनपद सीईओ वीके सिंह से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला पंचायत में कुछ लोग आए थे जिस बारे में शिकायत कर रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का के देने के लिए एवज में 2,000 रुपए के लाभ मांगा गया है। गरीब आदिवासी जनता को इन लोग थोड़ा गुमराह करके इस प्रकार की कार्य किए जाते हैं, परंतु तो हम लोग इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और कई बार हम लोग जब भी जहाँ ग्राम पंचायत में जाते हैं और लगातार हर महीने हम लोग बैठक लेते हैं, इसमें सबको ये समझाया जाता है कि लोग इस प्रकार के प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि ऐसी स्थिति बिल्कुल बदल नहीं सकती, परंतु इसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो हम लोग अपने स्तर पे जो भी विभागीय कार्रवाई है वो बिल्कुल करेंगे अगर प्रमाणित पाई जाती है तो, और सीओ जनपद को कह दिया गया है इसमें बिल्कुल जांच करें, और जांच करके जैसे रिपोर्ट आता है हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले और सभी ने राज्य प्रशासनिक सेवा की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही अपनी मांगे रखी। इस बैठक में विशेष रूप से जीपी माली व मुकुल गुप्ता शामिल रहे। आम लोग अब जागरूक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोक कर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर के गोविंदपुरी इलाके में एक कार चालक ने देखा कि 2 पुलिस वालों ने एक लोडिंग वाहन को रोका और उससे सौदेबाजी करने लगे। काफी देर तक इनके बीच बातचीत चलती रही, उसके बाद रिश्वत की राशि तय हुई और उसे पुलिस वाले ने जेब में रख लिया। कार चालक ने बड़ी ही सफाई से कार के बैक मिरर में देख कर इसका वीडियो बनाया और बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब इस घूसखोर पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दंतेवाड़ा में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिच्चीपारा के पास नहाड़ी ककाड़ी के जंगलों में डीआरजी टीएफ व दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने घेराबंदी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया।
बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि खबर आई थी नक्सली बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने फायर किया, नक्सलियों को घेराबंदी कर धर दबोचा गया। एसपी ने बताया कि नक्सलियों ने एसपी कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों को बम से उड़ाने का प्लान कर रखा था, जिसके लिए कई दिनों से रेकी की जा रही थी। पूछताछ में इन नक्सलियों से और कई राज खोले जाएंगे। लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई और आत्मसमर्पण करने से ये नक्सली बौखला गए हैं, इसीलिए इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं। पकड़े गए नक्सलियों पर हत्या, लूट, आगजनी जैसी कई गंभीर आरोप हैं। कल कोटाली क्षेत्र में लगातार सूचना आ रही थी कि नक्सली जो है बड़ी हमले की तैयारी कर रहे हैं। करीब 50 से 70 नक्सलियों की सटीक आसूचना के ऊपर पुलिस पार्टी निकाली गई। करीब 15 से 20 नक्सली वर्दीधारी जो थे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा पुलिस फोर्स ने भी फायरिंग खोली। फायरिंग के बाद कुछ लोग जो है वो वर्दीधारी भागते हुए दिखे, न हथियार छिपा के, तो उसमें एक वर्दीधारी हड़मा मरकाम पकड़ा गया उर्फ बुधरा और दूसरी वर्दीधारी कोसी उर्फ शांति पकड़ी गई। जो हड़मा मरकाम की पहचान परेंडर नक्सलियों द्वारा और उनके इंट्रोगेशन के बाद मलांगी LGF डिप्टी कमांडर 303 रखता था, वो 3 लाख का इनामी के रूप में हुई। छतरपुर में मामूली विवाद के चलते एक युवक को दिनदहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना खजुराहो थाने के हनुमान मंदिर के पास की है। जब युवक कैलाशपाल किसी काम से जा रहा था, तभी बड्डे खान नामक एक युवक ने उसे बुलाया और फिर देसी कट्टे से गोली मार दी। गोली युवक के पेट के नीचे लगी। युवक को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक का कहना है कि आरोपी अब उनके मकान में किराए से रहता था, मकान खाली करवाने की वजह से उसने उस पर गोली चलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कैलाशपाल बड़े खान ने उससे पूछा, पिछली दफे गोली चलाई थी तो FIR करवाई थी यहाँ पर थाने में, ठीक है। उसका फिर खुलेआम घूम रहा है वो, पहली बात तो ये है भाई, कानून कुछ करेगा तभी तो दूसरों को मदद मिलेगी, ठीक है। आज उसने सुबह से हमको गोली मार दी। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि उससे पूछा हमने कि मेरे भाई को गोली क्यों मारी थी उस दिन। उसने पहले मुंह पे मारा, फिर यहाँ पर गोली मार दी। थाना खजुराहो क्षेत्रीय घटना है, आज मॉर्निंग की ये घटना है, इसमें कैलाश पाल नामक व्यक्ति को गोली लगी है। कैलाश पाल के मकान में पूर्व में बड़े खान करके एक रहता था, मकान खाली करा लिया गया था, उसके विवाद हुआ था उनमें और आज ये घटना हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, आरोपी तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार की जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी और अतिवृष्टि के बाद अब खाद यूरिया का संकट गहराता जा रहा है। किसान खाद बीज न मिलने से परेशान हो रहे हैं। हरदा में यूरिया खाद की कालाबाजारी चरम सीमा पर है, जिसके कारण किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है और किसान दुकानदारों के हाथों लुटने पर मजबूर हो रहे हैं। सोसाइटी में जहां एक और यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरी ओर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए दुकानदार तिगुने दामों पर खाद बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 266.50 रुपये यूरिया का रेट निर्धारित है, जबकि दुकानदार 650 रुपये में खाद बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2 लाख की कर्ज माफी की वजह से सोसाइटियों ने अब खाद बीज नकद देना शुरू कर दिया है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसान बहुत गंभीर हालत से गुजर रहा है, इसलिए यदि खाद नहीं मिला तो आंदोलन किसानों द्वारा किया जाएगा। बाजार में 50 रुपये बिक रही है और बाजार में पर्याप्त नहीं है और कालाबाजारी चल रही है, ना इसके बाद में भी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? सरकार से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि यूरिया की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवाए और वो गेहूँ वगैरह सोयाबीन के जो बोनस पुराने थे वो तो डाले, 160 रुपये तो डाले जो राज्य सरकार ने करी थी, 2 लाख रुपये है ना, 2 लाख रुपये दे या नहीं दे मगर 160 रुपये गेहूँ के तो देना चाहिए। खाद की बड़ी किल्लत हो रही, यूरिया की एक एक पानी देने की स्थिति में गेहूँ में आ गया है, लेकिन खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। अपने जो प्रभारी मंत्री आए थे झाड़पा ग्राम में और कड़ोला में, उन्होंने कहा था कि खाद आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है और सोसाइटियों के माध्यम से भी खाद नहीं मिल पा रहा है। सोसाइटियों में किसानों का पैसा भी जमा है बहुत सारे किसानों का, और बार बार कहने के बाद भी कह रहे हैं कि अभी रेक आने वाली है लेकिन खाद आ नहीं पा रहा है। किसान को खाद की बिल्कुल महती आवश्यकता है। 2 लाख रुपये के और 2 लाख रुपये जो माफ करने के चक्कर में किसानों ने कर्ज नहीं भर पाए, उसके कारण
सोसाइटियों ने अपना जो खाद है जो है नकद देना शुरू कर दिया, और वैसे भी सोयाबीन कम हुई है, इसके कारण किसानों के पास पैसा भी नहीं है और मजबूरी में कर्जा लेके किसान खाद ले रहे हैं। किसानों की व्यथा सुनने देखने वाला कोई नहीं है। प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने अधिकारियों को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, लेकिन लगता है कि अधिकारी मंत्री जी की बात पर ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं या मंत्री की चलती नहीं है। आइए हम आपको सुनवाते हैं मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा था। इसका जरूर आप वो देखें कि खाद बीज बराबर मिले, क्योंकि पानी इतना गिरा है कि खाद बीज की खास तौर से होगी कभी नहीं बढ़ना चाहिए, उसके जो भी प्रबंधन हो सकते हैं। और जो आपने बताया कि डिफॉल्टर है तो खाद का प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी आप सोच लें कि कैसे करना है, लेकिन वो अपने वो करना है। किसान व्यापारियों के हाथों खुलेआम लूटा जा रहा है। काला बाजारी से तंग आकर किसान राजेश शर्मा ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा और मांग की है कि अविलंब किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की पहल की जाए व व्यापारियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा परेशान किसान कलेक्टर निवास के सामने आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। वहीं अधिकारियों की माने तो 80% खाद आ चुका है। इस संबंध में उप संचालक कृषि विभाग का कहना है कि इस वर्ष गेहूं का रकबा बढ़ा है जिससे खाद की शॉर्टेज आ रही है। अब अधिकारी किसानों को सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जी, क्या किसानों ने आपको इसलिए वोट दिया था कि उनको खाद बीज के लिए तरसाया जाए? कर्ज तो माफ हुआ नहीं, अब खाद बीज से किसान तंग आ गया है। मुख्यमंत्री जी कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज सरकार की तरह किसान आपसे भी रूठ जाएं। और किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसानों पर राजनीति बंद करें। कहां गया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कर्ज माफी का वादा? राहुल ने कहा था कि अगर 10 दिन में मुख्यमंत्री कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे तो उनको बदल दिया जाएगा। तो अब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला गया? 15 एकड़ के हिसाब से मेरे को अभी तक यूरिया नहीं मिल पाया है और 30 बोरी यूरिया लगेगा मेरे को, पर अभी तक ना तो सोसाइटी से खाद मिल रहा है और ना बाहर व्यापारी उनसे खाद मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं व्यापारी? व्यापारी बोल रहे हैं अभी डबल भाव बता रहे हैं और अभी तो फिलहाल की स्थिति में मना बोल रहे हो बिल्कुल। विगत 1 महीने से मध्य प्रदेश शासन की नीति और निर्देश पे जो आला अधिकारी काम कर रहे हैं, आज किसान दर दर भटक रहा है, किसान लोगों के जाके लोगों के दरवाजे पे जाके ढोक दे रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा जी ने आके हरदा जिले में आदेश करा था ग्राम मादला में कि किसानों की यूरिया की किल्लत दूर करी जाए, अधिकारियों ने उसका आदेश का पालन नहीं करा। आज बताइए कि कमलनाथ जी की जो सरकार ने जो वादा करा था किसानों से 2 लाख रुपये का कर्ज माफ करने का, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनने वादा करा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं तो 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका आदेश का पालन हुआ? ये मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ऐसा किसानों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर से राजनीति करना बंद कर दो, कुर्ता पैजामा घड़ी करके रख दो। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि शहरों में पानी की व्यवस्था नगर निगम को करना होती है, जो भाजपा शासित हैं वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार राइट टू वाटर कानून ला रही है, IIT दिल्ली के साथ अनुबंध कर योजनाओं की बेहतर प्लानिंग का काम करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई है जिसमें से 6,672 करोड़ रुपए के काम 2 साल में पूरे हो जाएंगे। मंदसौर, नीमच, मुलतई, बैतूल और छिंदवाड़ा के लिए राइट टू वाटर के काम के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। देश में पहली बार राइट टू वाटर पानी का अधिकार हिंदुस्तान में, कठिन जरूर है लेकिन साहसिक निर्णय है और इस समय की मांग है, समय की नजाकत है। अगर आज हम इसको नहीं लेते मुख्यमंत्री जी तो हमें आने वाले समय में जो हमारी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता उससे हमारे समय से पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। 68,000 करोड़ की एक विस्तृत योजना समूह नगर योजना के माध्यम से जो स्थायी टेम्परेरी ने जो कि ट्यूबवेल कराए फिर बंद हो गए उसके लिए 6 महीने में हमने DPR बनवाई और उसके लिए बजट की भी व्यवस्था। मंत्री पांसे ने विभाग के कामकाज का लेखा जोखा रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित 11 वचन लोगों से किए थे जिनमें से 2 को पूरा किया जा चुका है। राइट टू वाटर का प्रारूप विशेषज्ञों के साथ बैठकर तैयार किया गया है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। राइट टू वाटर एक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पांसे ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने 12% ग्रामीण घरों तक ही
नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। प्रदेश की 5,88,00,000 ग्रामीण आबादी 1,28,231 पसाहटों में रहती है, जिनमें से 88% को नल से पानी नहीं मिल पा रहा है। भोपाल पुलिस ने भोपाल आई ऐप लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अपराधों की रोकथाम के लिए घर, दुकान, संस्था और गली मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाने में भोपाल पुलिस की टेक्निकल यूनिट सहयोग करेगी। होटल्स, लॉज, रिसॉर्ट और मोटल्स के लिए भी नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। भोपाल आई ऐप को इंदौर की एक कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसकी विशेषता है कि इसे डाउनलोड कर लॉगिन करने वाले लोगों के घर, दुकान अथवा फैक्ट्री या किसी प्रतिष्ठान पर लगाए गए आईपी एड्रेस के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस की निगरानी में आ जाएंगे। पुलिस अपने नए कंट्रोल रूम से सिटी सर्वेलेंस से सीसीटीवी फुटेज देख सकेगी। भोपाल आई ऐप को यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज कराने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा, जिसमें यूजर को खुद के द्वारा लगाए गए घर, दुकान अथवा फैक्ट्री के बाहर लगे आईपी एड्रेस को सीसीटीवी कैमरे की डिटेल अपलोड करनी होगी। इसके बाद जियो ट्रैकिंग के माध्यम से यूजर की लोकेशन पुलिस को मिल जाएगी और वह यूजर के घर की लाइव निगरानी अपने कंट्रोल रूम से कर सकेगी। जो ऐप लॉन्च किया है उसका बेसिक पर्पस है कि हम लोग जो है जो फीचर्स दे रहे हैं यहाँ पे ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो कि उसमें जो लग रजिस्टर कराएंगे तो अपनी फीड जो है हमसे शेयर कर पाएंगे और हम उनको बेसिकली गाइड कर पाएंगे यहाँ पे अपने फीड देख रेख करके कि आसपास जो है कहीं पे कोई ऐसी अवांछनीय गतिविधि हो रही है, किसी तरह का कोई क्राउड गैदर्ड है या कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो सिटी को सेफ बनाने के लिए एक ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नर्सिंग होम एसोसिएशन है, चाहे वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, सबकी बैठ के हम लोगों ने बुलवाई थी। उन सबसे रिक्वेस्ट किया था कि अपनी फीड्स जो है एटलीस्ट जो रोड की कनेक्टिंग फीड्स है वो हमसे शेयर करेंगे तो हम जो है शहर को बेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाने में हम लोगों को योगदान मिलेगा। भोपाल आई ऐप बनाने के पीछे की कहानी काफी रोचक है। पुलिस चाहकर भी लोगों के घरों, दुकान और संस्थानों में कैमरे नहीं लगा सकती, लेकिन लोगों द्वारा लगाए कैमरों की निगरानी कर सकती है। इस विचार के साथ पिछले कुछ महीने से पुलिस कंट्रोल रूम में एएसपी और आईजी इरशाद वली, शहर के अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, बैंक, कॉलोनियों के रहवासी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों आदि के साथ बैठक कर रहे थे। सबसे अपील की गई थी कि वे अपने परिसर और उसके बाहर आईपी एड्रेस के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। कई ने ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगवाए भी हैं। अब नए ऐप पर इनके फीड होने के बाद पुलिस शहर के बड़े हिस्सों की निगरानी कर सकेगी। पुलिस ने घूम घूम कर पॉइंट देखे थे। एमपी नगर जोन 1 में पुलिस ने व्यापारियों के आग्रह पर सर्वे कराया था जहां सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं। यहां 332 ऐसे पॉइंट मिले थे। यहां सीसीटीवी लगाने के बाद पूरा एमपी नगर का जोन 1 पुलिस की नज़र में आ जाएगा। अभी भोपाल आई ऐप की टेस्टिंग चल रही है, जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। भोपाल पुलिस का जो ये भोपाल आई कैंप है, वी सपोर्टेड ड्यूली, और हमें ऐसा लगता है कि इसके थ्रू विमेन अवेयरनेस, विमेन सेफ्टी, चाइल्ड अवेयरनेस, चाइल्ड सेफ्टी भी बहुत हद तक प्रमोट होगा। और ये इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ इट्स यूनिक टाइप है, और आई होप अगर ये ग्रैंड सक्सेस रहा तो इसको और भी सिटीज अडॉप्ट करेंगी और ये हमारे लिए ह्यूज सक्सेस रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।